इसी में आ जाता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स मींस क्या होते हैं, जहां पर हमें इसका यूटिलाइजेशन कहां करते हैं, वेयर वी यूज टू कंबाइन एक्सप्रेशंस कंटेनिंग कंपैरिजन ऑपरेटर्स, जहां हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स का कंपैरिजन करके जो वैल्यूज को कंबाइन करते हैं वहां पर आपके क्या चीज यूज होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो इनकी आउटपुट भी जो आती है दैट इज ट्रू एंड फॉल्स। तो अगर तो ऑलरेडी आपका बैकग्राउंड कंप्यूटर से है, तो आपने डिजिटल्स में ऑलरेडी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑलरेडी यू हैव डन एंड केसेस, नॉट केस और केस, बट जिन्होंने नहीं भी किया स्टिल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट। इसमें तीन तरह के मेन आ गए, लॉजिकल एंड ऑपरेटर, लॉजिकल और ऑपरेटर और लॉजिकल नॉट। इसमें तीन जो आपके ऑपरेटर्स आ गए वो एंड और नॉट होते हैं। एंड नॉर्मली देखो नाम से ही बताता है, एंड मीन्स दोनों। जैसे सिंपल इसका एग्जांपल्स आप जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, कई बार हमारे पास क्या होता है, जैसे सपोज क्वेश्चंस की चॉइस आती है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट में कुछ लिखा है, बी पार्ट में लिखा है, 10-10 मार्क्स के वो दोनों हैं। मीन्स यू हैव टू अटेम्प्ट बोथ द क्वेश्चंस, ए पार्ट और बी दोनों करने हैं कि अगर आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो तो। समटाइम्स क्वेश्चन इस तरह होता है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा होगा उसमें ए पार्ट में एक क्वेश्चन लिखा होगा और दूसरा क्वेश्चन लिखा होगा। मींस यू हैव टू चॉइस कि अगर आपको पहला वाला आता है तो आप फर्स्ट करो, नहीं तो आप सेकंड वाला करो। तो उस केस में क्या आ गया, और। तो एंड मींस जहां पर आपको दोनों चीजें करनी है, मींस आपको जैसे मैंने बोल रही हूँ ए फर्स्ट क्वेश्चन को दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ, तो अगर आपको दोनों आते होंगे तो आपका क्वेश्चन 1 कंप्लीट होगा, फुल मार्क्स का वो कंप्लीशन होगा, अदरवाइज नहीं। अब दैट मींस लॉजिकल एंड ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड एंड रिप्रेजेंटेड एज वर्ड एंड के साथ वो यूज होता है। इट इज यूज टू कंबाइन टू एक्सप्रेशन कंटेनिंग कंपेरिजन ऑपरेटर्स। इसके लिए यूज करने के लिए क्या चीज होते हैं, हम यूज करते हैं दो एक्सप्रेशन को। अब इसमें क्या चीज होता है, अगर एक भी आपकी वैल्यू ऑपरेटर की फॉल्स होगी तो आंसर विल बी फॉल्स। मींस इफ ऑल द इनपुट्स आर ट्रू ओनली देन द आउटपुट विल बी ट्रू। जैसे टेबल में मैंने बताया, अगर इनपुट 1 मींस दो वैल्यूज आप दे रहे हो, क्योंकि इसमें दो पे ऑपरेशन आपका परफॉर्म होना है, इनपुट 1 और इनपुट 2 आप दो दे रहे हो और आउटपुट आपका आ रहा है, अगर दोनों इनपुट्स आपकी ट्रू होंगी ओनली इन दैट केस आंसर विल बी ट्रू। जैसे मैं पहले केस में फॉल्स देती हूँ और दूसरे में भी फॉल्स देती हूँ, आपके आउटपुट पे क्या आएगा, फॉल्स। अगर इनपुट 1 फॉल्स है, इनपुट 2 ट्रू है, तो भी आपका आउटपुट फॉल्स आएगा। अगर आपका इनपुट 1 ट्रू है, इनपुट 2 फॉल्स है, तो भी फॉल्स आएगा, बट ओनली आएगा आंसर ट्रू जब आपका दोनों वैल्यूज क्या होंगी, ट्रू ट्रू। इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं फॉल्स को, जैसे हम लिख देते हैं 0 0 तो 0 आता, 0 1 तो भी 0। ट्रू को हम मीन्स 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फॉल्स को 0 से। आप टेबल को उस वे में भी बना सकते थे, जैसे लेट इट मी जस्ट अ मिनट, जैसे सपोज फॉल्स की जगह मैं यहाँ 0 लिख सकती थी, ये भी आपका 0 होता तो आपका आंसर विल बी 0। बट इन केस यहाँ पर क्या है, आपका ट्रू है, आपका वैल्यू ट्रू है, तो आंसर विल बी ट्रू। इस केस में भी आपका आंसर क्या आ रहा है, फॉल्स। दिस आल्सो यू कैन रिप्रेजेंट विद 0, फॉल्स में भी 0। मीन्स क्यों, ये वैल्यू भी आपकी क्या है, फॉल्स, और ये वैल्यू क्या है, ट्रू। बट ट्रू ओ एक वैल्यू चाहे ट्रू और दूसरी क्या हो फॉल्स, तो भी आपका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। ट्रू सिर्फ किस केस में आएगा, जब दोनों वैल्यूज आपकी क्या है, ट्रू। अब जैसे एग्जांपल में यहां पर मैंने दिया हुआ, तो ये बेटर है हम एग्जांपल अपने पाइथन के आईडीएल पे रन करके देखते हैं। आई थिंक बेटर है, रन करने से पहले मैं आपको और का कंसेप्ट और नॉट का भी बताती हूँ, एक ही बार रन करके देखते हैं। लॉजिकल और जो है, इट इज रिप्रेजेंटेड एज वर्ड और, इसको और के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसको किसके लिए यूज किया जाता है, टू कंबाइन टू एक्सप्रेशंस कंटेनिंग कंपैरिजन ऑपरेटर। और इस केस में क्या होता है, आपकी वैल्यू ट्रू आती है अगर दोनों में से कोई भी वैल्यू ट्रू हो, मीन्स आइदर इनपुट 1 ट्रू हो या इनपुट 2 ट्रू हो, दोनों से कोई भी अगर ट्रू होगी तो आपके वैल्यूज ट्रू ही आएंगे, सिर्फ एक केस में फॉल्स आएगा अगर दोनों की वैल्यूज क्या होंगी, फॉल्स होंगी। तो ये आपको ट्रूथ टेबल से एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर फॉल्स और फॉल्स होंगी तो ओनली इन दैट केस आंसर विल बी फॉल्स, बाकी हर एक केस में आपका क्या होगा, ट्रू। इसको मैंने एग्जांपल्स के साथ बताया हुआ, ये बेटर मैं आपको आइडियली पे अभी बताती हूँ, सब कंप्लीट कर लेते हैं। लॉजिकल नॉट मींस, नॉट मींस ये आपको क्या बता रहा है, निगेशन, किसी चीज की नेगेटिविटी, नेगेटिव निकालना हो, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वर्ड नॉट। इसको किसके लिए यूज किया जाता है, आपको किसी चीज की वैल्यू को इन्वर्स करने के लिए। जैसे कॉमन एग्जांपल, जैसे आपके पास इन्वर्टर्स होते हैं, जब आपकी मेन ऑफ होती है इन्वर्टर ऑन हो जाता है, जब मेन ऑफ होती है तो इन्वर्टर ऑन हो जाता है, और जब मेन
ऑन होती है तो इन्वर्टर ऑफ हो जाता है मींस। और इसी का एग्जांपल के लिए आप इस तरह के जहां पर आपको कैलकुलेशन चाहिए हो कि अगर इनपुट आपको फॉल्स मिली है तो वो ट्रू हो जाए और ट्रू हो तो फॉल्स हो जाए, वहां पर हम कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, लॉजिकल नॉट। जैसे एग्जांपल में मैंने लिखा हुआ है कि नॉट 12 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 फॉल्स, इस तरह की जो वैल्यूज और कैलकुलेशन है ये हम सीधा अपने सॉफ्टवेयर पे रन करके देखते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल पार्ट। तो ऑलरेडी मैंने आपके प्रोग्राम सेव करके रखे हैं सो दैट हमारा टाइम कम कंज्यूम हो। जैसे मैं यहाँ पर लिखा हुआ है x इज इक्वल्स टू ट्रू, y इज इक्वल्स टू फॉल्स, x एंड y इज, तो इस केस में आंसर आपका और x और y और x नॉट y, तो हम रन करके इसको देखते हैं। अब यहाँ पर देखो आपका x ट्रू है, y क्या है, फॉल्स, तो आपके केस में आपका आंसर क्या आएगा, एंड में मैंने आपको बोला था अगर दोनों ट्रू हो तो आंसर ट्रू आता है, अदरवाइज आंसर क्या आएगा, फॉल्स। तो क्योंकि यहाँ x की वैल्यू ट्रू है, y की वैल्यू क्या है, फॉल्स है, तो आपका आंसर इज फॉल्स। और मैं एनी टू ऑफ द इनपुट इज, एनी वन ऑफ द टू इनपुट इज ट्रू, तो आंसर विल बी ट्रू। तो यहाँ पर x ट्रू है, y फॉल्स है, तो आंसर इज फॉल्स ट्रू। नॉट होता है कोई भी चीज नेगेटिव, अगर x ट्रू होगा तो आंसर विल बी फॉल्स, अगर x फॉल्स होगा तो आंसर विल बी ट्रू। तो इनकेस हमने यहाँ पर लिखा हुआ x इज इक्वल्स टू ट्रू, तो आपका आंसर क्या आ रहा है, फॉल्स, बिकॉज आपने उसको ऑलरेडी क्या किया हुआ है, ट्रू को नेगेटिव का मतलब ही क्या होता है, ट्रू को फॉल्स। इसी को एक और एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर लेते हैं हम। जी अभी वैसे आपने यू हैव नॉट डन इफ कमांड इफ स्टेटमेंट, बट स्टिल आई एम गिविंग इट एग्जाम्पल। जैसे मैंने x में 10 लिया हुआ, y में 20 लिखा हुआ है, और मैं इसको देख रही हूँ कि कैलकुलेट करवा रही हूँ, अगर x 0 से बड़ा है और y अगर भी 0 से बड़ा है, एंड मीन्स दोनों बड़े हैं, तो आपको क्या शो करे कि क्या चीज है, बोथ द नंबर्स आर पॉजिटिव। तो अब हम रन करके के देखेंगे, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, 10 मीन्स 0 से बड़ी है, और y की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है, दोनों की क्या है, y की 20 है, तो दोनों की बड़ी है, तो आपका आंसर क्या आया, पॉजिटिव। तो आपको और एंड और नॉट का कंसेप्ट ऑलरेडी अब आपको क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो अब